We finally did it. iPhone 13 is here. And I have finally shifted to iOS. So hey guys, what's up? Assalamualaikum. मैं हूं सादिक और उम्मीद है आप लोग सब कैरियर से होंगे, एंजॉय करेंगे. Everything is good at your end. आज हम फाइनली बात करने वाले आईफोन के बारे में, iOS के बारे में. एंड अ लाइफ लॉन्ग एंड्रॉयड यूज़र हैज़ शिफ्टेड टू एंड्रॉयड. इससे पहले जो लास्ट टाइम मैंने आईफोन यूज़ किया था वो 3GS यूज़ किया था, और वो भी तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए. और नाउ फाइनली वी हैव वन ऑफ द लेटेस्ट फोन्स इन द आईफोन सीरीज़. 13 सीरीज़ का हमारे पास मौजूद है आईफोन 13, एंड इट इज़ गॉर्जियस. मेरे पास मौजूद है ये पिंक कलर में, 128 GB में, फैक्ट्री अनलॉक्ड है और वारंटी में है. और बाकी यू नो, मतलब आईफोन जो लेता है यार वो स्पेक्स तो देखता नहीं है, तो स्पेक्स के बारे में हम बात करेंगे भी नहीं. हम बात करेंगे कि मेरा iOS पे एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है. मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 2 वीक्स हो गए आई गेस. तो लेट्स टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, लेट्स टॉक अबाउट एंड्रॉयड से इतने अरसे बाद, या एंड्रॉयड से मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं iOS पे आया हूँ, आईफोन्स पे आया हूँ, एप्पल के एटमोसफेयर में आया हूँ, तो मुझे क्या फीलिंग्स आ रही हैं. तो ये वीडियो लार्जली एप्पल के बारे में पॉजिटिव होने वाली है. तो मैं आपको पहले बता दूं, आप ये मुझे मत कहिएगा कि मैं बायस्ड हूँ या कुछ भी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी एंड्रॉयड यूज़ किया है, तो मैं बायस्ड हो नहीं सकता. मैं तो बल्कि अगर बायस्ड होता तो एंड्रॉयड के हक में होता. तो इसकी बुराइयों के बारे में बात करेंगे, मगर मेजरली अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो यार एप्पल ऑनेस्टली इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट. कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी लाइफ, ऑप्टिमाइजेशन, द डिज़ाइन, एवरीथिंग हैज़ इम्प्रेस्ड मी. कुछ चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल इनकन्वीनियंसेस हैं. और जो इनकन्वीनियंसेस हैं या जो बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं इस फ़ोन के रिव्यू में भी बात करूँगा जो मैं बनाने वाला हूँ. लेकिन इस वीडियो में जो हम मेजरली एक शॉर्ट सा कवर करने वाले हैं वो ये है यार, सबसे पहली चीज़ जो आप iOS पे आके नोटिस करते हो ना, वो ये नोटिस करते हो कि सब कुछ कितना सीमलेस है, सब कुछ कितना नीट है. मतलब आपको इस इंटरफेस को देख के ये फीलिंग नहीं आती कि ये इनकम्प्लीट है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ना ज़रूरत है, कोई ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है. ये फ़ोन्स बिल्कुल कम्प्लीटेड हैं. ये इंटरफेस, ये स्क्रीन, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये फ़ोन कितना अच्छा पुट टुगेदर है, कितना अच्छा ज़बरदस्त काम करता है. और ये सिर्फ 13 सीरीज़ नहीं है, 12 सीरीज़, 11 सीरीज़, उससे पहले इवन आईफोन एक्स को देख लें, अभी तक वो फ़ोन मिड रेंज, एंड्रॉयड के मिड रेंज जो कि 70 से 80,000 के फ़ोन्स हैं उनको डोमिनेट कर रहा है. और मतलब आपको अंदाज़ा कर लें, 5 साल पुराना आईफोन एंड्रॉयड के फ़ोन्स को अभी भी डोमिनेट कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड में फ़ीचर्स वगैरह सब कुछ पहले आ जाता है. बट अगेन ये सब कुछ एक डिबेटेबल पॉइंट है, हर बंदे के एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है. तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो यार कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी कि मतलब कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं हैं. आप होम स्क्रीन वगैरह को खास कस्टमाइज़ नहीं कर सकते. वॉलपेपर का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वॉलपेपर के आगे आइकन्स आ जाने हैं, बिल्कुल आ जाने हैं. तो वॉलपेपर इज़ जस्ट लाइक यू नो, एक बैकग्राउंड पे एक चीज़ लगी हुई है, दैट्स इट. वॉलपेपर नहीं कहूँगा, इसे बैकग्राउंड वॉलपेपर कह सकते हैं. तो ये चीज़ है. उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों की बात करें तो इंटरफेस वाइज मतलब ऑनेस्टली मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है यार. ऑप्टिमाइजेशन इसने लेवल की है, कोई बग नहीं है, मतलब लिटरली नॉट अ सिंगल बग दैट आई हैव एनकाउंटर्ड. एक बग नहीं है. आई ट्राइड और मैंने हर किस्म का यूज़ किया, गेम्स खेली, कैमरा और ऐप शिफ्टिंग वगैरह. ये देख सकते हैं मतलब कितनी पुरानी ऐप्स खुली हुई हैं और ये खुली रहेंगी, मैं इनको बंद करूँगा भी नहीं. ये मैं मतलब करता ही नहीं हूँ बंद, सीधी सी बात है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता. उसके अलावा आईफोन्स हीट नहीं होते यार, मतलब चार्जिंग के अलावा, और वो भी फास्ट चार्जिंग पे. इसके अलावा मैंने इस फ़ोन को हीट होते देखा ही नहीं है. जितनी मर्ज़ी गेम्स खेल लें, फुल HDR अल्ट्रा पे आप पबजी खेल लें, फ़ोन हीट नहीं हो रहा. एंड पिक्सल था, वन प्लस थे मेरे पास, पोको था, सैमसंग मैंने यूज़ किया है, वो फ़ोन्स हल्की सी किसी भी चीज़ पे हीट हो जाते हैं. एप्पल हीट नहीं होता भाई, मतलब मैं समटाइम्स आई एम सरप्राइज यू नो. उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है वो ये इसका वॉल्यूम जो स्विच होता है, जिसे साइलेंट स्विच कहते हैं. आप इसको एक स्विच से आप साइलेंट या नॉर्मल में टॉगल कर सकते हैं. उसके अलावा कैमराज आर अमेजिंग भाई, कोई कंप्लेंस नहीं है मेरी तरफ से. हाँ मैं ये विश करता हूँ कि ये नॉर्मल 13 सीरीज़ में भी ज़रा पोर्ट्रेट वाला लेंस दे देते, जो 3x वाला लेंस है, बट यू नो दैट इज़ नेट पिकिंग. और ये आईफोन 13 के रिव्यू में बात करूँगा. अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ तो मेरा iOS पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मेरे पास कोई कंप्लेंस नहीं है.
हाँ एक दो कंप्लेंट्स ये ज़रूर हैं कि यार मैंने कुछ डाउनलोड करना हो तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई गाने डाउनलोड करने हो, कोई फाइल डाउनलोड करनी हो, कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपको डायरेक्टली जिस ऐप में कर रहे हैं उस ऐप तक ही रहती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के व्हाट्सएप की जो वीडियो कॉल चल रही है वो आप इंटरफेस के मतलब इंटरफेस पे नहीं लेके जा सकते, आम बाकी स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते। एंड्रॉयड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी इसके जो इसके अपने जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, आई मैसेज वगैरह हो गया, बाकी दूसरी चीज़ें होगी, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेट हुए में, कहीं पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और यू नो आई डू विश कि ये अपना एटमोसफेयर या अपना इकोसिस्टम थोड़ा ओपन अप करते, दूसरे फ़ोन या मैन्युफैक्चरर्स को नहीं लेते, लेकिन अगेन ये फ़ोन इतना या एप्पल इतना सक्सेसफुल है इस वजह से, iOS इतना अच्छा है इस वजह से, बिकॉज वो आपस तक ही रहते हैं, हार्डवेयर भी खुद करते हैं और सॉफ्टवेयर भी खुद करते हैं। तो आई डोंट नो, एक छोटी सी वीडियो थी और आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। यू गाइज मतलब जो भी एंड्रॉयड लाइफ लॉन्ग यूजर्स हैं वो एक दफ़ा आईफोन को ज़रूर ट्राई करें, और जिनका बजट बन रहा है वो तो ज़रूर ट्राई करें। तो यू नो दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, जितने पैसे आप लगा रहे हो आपको उतनी वैल्यू मिलती है। आप एक दफ़ा महंगा फ़ोन परचेस करें और आप 3-4 साल चलाएं, बैटरी लाइफ बाकी सारी चीज़ों से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं रही, बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है एंड यू नो आई लव्ड इट। बाकी कैमरा और प्रॉपर रिव्यू तो हम इसका करेंगे ही करेंगे, बट या दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके यू नो कोई भी सजेशन कमेंट्स वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।